दादा से मैंने पूछा ये मार्केट कितना पुराना है, अंदाजन तो ये बता रहे हैं कि आज़ादी से पहले ही का है, बट एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा। ये छोटा सा ऑफिस है यहाँ पे। चलिए मैं एक और भाई साहब, उनसे पता चला कि उनको शायद पता है एग्जैक्ट वाले भाई साहब को भी पता नहीं था एग्जैक्टली कितना पुराना ये मार्केट है, बट ये कन्फर्म है कि ये आज़ादी से पहले का है, यानी एक और अंग्रेज़ों के बनाया हुआ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ दोस्तों, ये इमली का ढेर, देखिए ये सारी कच्ची इमलियाँ हैं, देखिए ये सारी पक्की इमली। ये सारे होलसेलर हैं बेसिकली, ये रिटेल नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप यहाँ से इनसे होलसेल रेट में लेना चाहें और बल्क में लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। ये देखिए और कच्चा इमली, मिर्च देखिए दोस्तों, ये एप्पल बेरी है, नहीं दोस्तों ये आम है, मुझे लगा एप्पल बेरी जनवरी के महीने में, ये आम है दोस्तों। दादा ये आम कोताही थी के आश्चर्य मद्रास, ये भाई साहब ने बताया कि आम जो है ये मद्रास से आ रहा है, यानी चेन्नई से आ रहा है। ये देखिए जैक फ्रूट, पंपकिन देखिए दोस्तों, साइज देखिए पंपकिन का, देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बंगाली कल्चर के लिए, केले के पत्ते। इस केले के पत्ते का बहुत सारा इस्तेमाल होता है दोस्तों, यानी छोटे छोटे बास्केट बनते हैं, डेकोरेशन बास्केट जो मिठाई में काम आती है, और इस पे खाना भी परोसा जाता है, स्पेशल जब ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं तो उस जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये केले के पत्ते। ये देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ भी रखा है दोस्तों। दादा की रकम दाम 50 रुपये का बंडल है दोस्तों। आइए और आगे देखते हैं और आगे क्या क्या है देखने। ये ग्रीन चिली का पूरा लॉट, ये कैप्सिकम का पूरा लॉट, ये देखो काफ़ी फ्रेश कैप्सिकम है, पत्तों के साथ है दोस्तों ये ग्रीन और येलो कैप्सिकम जो इंडियन फूड शो में आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, किसी भी फूड शो में आप देखेंगे ये हमेशा आपको डेकोरेशन के तौर पर रखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्रेश है, फार्म फ्रेश है, क्वालिटी और चमक देखिए दोस्तों। ये क्वाशा है दादा, ये क्या काम में आता है? सब्जी, इसकी सब्जी बस बनती है दोस्तों। अच्छा, ये पपीता के, जिस तरह से पपीते का इस्तेमाल होता है उस तरह से ये भी सब्जी में काम आता है। यहाँ दोस्तों मशरूम देखिए, मेरा बेबी कॉर्न, ये दोस्तों स्वीट कॉर्न, ये बताइए क्या है दोस्तों? इसे जुकनी कहा जाता है, जुकनी, इसे जुकनी कहा जाता है, ये भी जुकनी है दादा, ये भी जुकनी है दोस्तों। ये स्वीट कॉर्न कैसे किलो है दादा? 100 रुपये किलो, 100 रुपीज़ किलो है दादा। इस तरफ आइए तो आपको स्वीट पोटैटो का पहाड़ मिलेगा आपको दोस्तों, देख सकते हैं उन्होंने रेड लाइट लगा के रखी है रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके। ये काका से पूछते हैं ये कैसे किलो है। काका पालक हो तो 200 रुपये किलो है दोस्तों, यानी 40 रुपये किलो है पल्ला, यानी 5 किलो का एक पल्ला होता है, और ये 40 रुपये किलो पड़ा उस हिसाब से, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये सारी मिंट्स की टोकरी है दोस्तों, सारे मिंट्स हैं, और यहाँ लेटस है, बिल्कुल
बिल्कुल फ्रेश मिलता है, देखिए बिल्कुल ही फ्रेश मिलता है। तो भाई ने बताया कि मिंट जो है बिल्कुल फ्रेश है। आप देखिए इतना बड़ा ये बंडल है, सिर्फ 10 रुपये में मिलता है दोस्तों यहाँ पर। और ये स्प्रिंग अनियन जो है, ये बंडल आप देख रहे हैं स्प्रिंग अनियन का, 40 रुपये का है दोस्तों। मैं ये मिंट एक ले लेता हूँ अपने घर के लिए। सो मैं मिंट खरीद के पुदीना, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे ये करी लीव है, ये भाई साहब करी लीव बेच रहे हैं। और ये पूरा सेक्शन ही हर्ब्स का है दोस्तों, यहाँ सब कुछ है, सारे चीज़ें हर्ब्स है, सब तरफ हर्ब्स भरा हुआ है। चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। योर मिंट दोस्तों, थोड़ा बहुत सोया मैंने और भी ले लिया इन भाई साहब से, इनके पास सोया काफ़ी फ्रेश था तो मैंने और भी ले लिया सोया, क्योंकि विंटर के बाद मिलेगा नहीं आपको। ये देखिए दोस्तों पालक बिल्कुल प्यारे, एब्सोल्युटली फ्रेश फ्रेश पालक, रेडिश लाल लाल मूली, ये पालक पालक है, पालक के बगल में ये लाल साग, दोबारा से पालक, गोभी दोस्तों देखिए वो ब्रोकली है, और उसके आगे टमाटर। लाल टमाटर है दोस्तों, ये खीरा दोस्तों, आधा किलो दादा, किलो। तो भाई साहब यहाँ पे कोरिएंडर जो है, धनिया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये किलो बिक रहा है। आप देखिए क्वालिटी भी ठीक है, किलो मैंने 1 किलो ले गया हूँ भाई साहब से, फ्रेश उपोटा दिन 1 किलो में ले लिया 20 रुपये में धनिया दोस्तों, आप सोचिए काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, 20 रुपये में धनिया कम हो गया से। तो धनिया ले चुका हूँ मैं, धनिया लेके मैं अब आगे की तरफ निकलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए बीट रूट बिक रहा है, ये सेम भी है, देखिए वहाँ कूड़ी यानी 20 रुपये था और यहाँ 30 रुपये, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा यहाँ आके और थोड़ा मार्केट चले करना। काफी फ्रेश है, वापस अंदर की तरफ चलते एक बार दोस्तों। जो टोकरी हम लोग बाहर देखे थे जिसको 4 लोग मिलके उठा रहे थे, मैंने भाई साहब से पूछा इसका वजन कितना है, इन्होंने बताया मुझे 6 मन यानी तकरीबन 600 किलो इसका वेट है। ये एक घड़ी इसलिए 600 किलो वजन उठाने के लिए 4 लोग जुट के उठाते हैं, मिलके उठाते हैं, काफ़ी मेहनत का काम है। ये देखो बिल्कुल फ्रेश, कत टका किलो, 50 रुपये किलो, एब्सोल्युटली फ्रेश, चमकते हुए इधर भी है। ये एप्पल बेरी देखे, आप
दो वैरायटी के सेम है, एक ये हल्का काला पे है। अब इसके साइड में देखें दोस्तों, तो ये कालापन रहता है, और एक ये क्वालिटी के सेम है, बिल्कुल सफेद रंग की रहती है। दाम एक ही आते अलग अलग दाम, दोनों के प्राइस जो है वो एक ही है, थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ कैबेज भी है। ओके सो ये रहा केला दोस्तों, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं इसे, बट इसे कच्चा केला कहा जाता है, कच केला भी कहा जाता है। इसकी सब्जी बनती है, इसे बॉईल करके भी खाया जाता है, फ्राई करके भी खाया जाता है, बहुत सारे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद इसके बगल में ये पपीता है, क्वालिटी नाम की आछे, ये नाम की आछे, এটা চিনেকা কাছে চিনেকা কাছে চিনেকা কাছে। देखिए इसका साइज देखिए दोस्तों, साइज ये रहा बेल दोस्तों, तो फ्रेश है दोस्तों। फ्रेश দাদা কত কিলো? 20 টাকা কিলো, 20। ওকে দাদা, তো এসা হ্যায় ইয়ে 20 রুপে কিলো হ্যায় দোস্তো, বিলকুল ফ্রেশ হতা হ্যায়। পতা নেই দোস্তো ক্যামেরা মে কিতনা আ রাহা হোগা ফ্রেশ, মগর মে আপকো বাতা সকতা ইয়ে বিলকুল ফ্রেশ হ্যায়, আপ দেখ সকতে হ্যায়, বিলকুল খেতো সে নিকল কে আপকে মার্কেট তক আ রাহা হ্যায়, বিলকুল ভিগা হুয়া হ্যায়। ये सेवी मटर, बीट रूट, कत टका किलो दादा? ये तकरीबन सब जगह जो ये टमाटो आप देख रहे हैं 20 रुपए किलो है। इसके बाजू में बीन्स, खीरे का ढेर दोस्तों। दादा कत टका पल्ला? 130 रुपए किलो, अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपए के आसपास या 26 रुपए किलो के आसपास। दादा लंका दाम तो दोस्तों ये 350 रुपये किलो का पल्ला है। दादा इटा बुलेट बुलेट लंका इटा इधर इसे बुलेट मिर्चा भी कहते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका साइज देखिए दोस्तों, ये 350 रुपये का 5 किलो है, 70 रुपये का किलो। और ये रेगुलर मिर्च हमारे किचन में यूज़ होता है, मिर्च ये छोटे साइज का है, और इसके आगे जो आपको मैंने दिखाया है ये मूली देखिए दोस्तों कितनी फ्रेश है। तो ये सारे बेल जिनका है, जिन जो मालिक इन सारे बेलों के हैं, उन्होंने बताया ये एक टुकड़ी का वज़न तकरीबन 300 किलो है, 280 से 300 किलो वज़न है।
ये सारी एक खोपड़ी चाहिए। देखिए 5 फुट से भी ऊंचा है ये हाइट, ये देखिए ये मेरे हाइट के बराबर है दोस्तों। सारा ये ब्रोकली है, कत टा कर दादा? 14 रुपये का एक पीस दोस्तों ब्रोकली। दोस्तों पंपकिन साइज देखिए दोस्तों, ये कटा हुआ है। कत किलो? 20 रुपये किलो दोस्तों। इसको तुरई कहा जाता है, आपकी जबान में पता नहीं क्या कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों ये है कैरी, कैरी कच्चा कैरी। तो इन भाई साहब ने मुझे बताया ये सारा आम जो है ये मद्रास से आता है, कोरोमंडल ट्रेन से आता है, हर एक साइज़ में है। ये देखिए ये छोटा, ये साइज़ देखिए बिल्कुल कच्चा है ये आम। जनवरी के महीने में आपको ऐसा कच्चा आम मिले ठंडे के मौसम में और इसकी चटनी मिले तो मज़ा ही आ जाए। भाई साहब भी मेरी बातें सुन के हंस रहे हैं। यहाँ भी आम है, ये भी आम है, सब एक ही है। राइफल है, राइफल, राइफल, राइफल नाम है दोस्तों, इस आम का नाम राइफल है, इस आम की ज़ात का। क्या नाम बताया? नाटी, नाटी, नाटी। इस आम की जात, आम की जात का नाम है नाटी। ये है राइफल। कमाल हो गया भाई साहब, ठंडे में आम। मैं वापस की तरफ निकल रहा हूँ मार्केट से बाहर, मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले ली अपने घर के लिए और मैं मार्केट से वापस बाहर आ चुका हूँ दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मार्केट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो आप ज़रूर इस मार्केट को विज़िट करिए दोस्तों। मैं लोकेशन पे जाऊँगा और वहाँ का वीडियो शूट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मार्केट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा दोस्तों। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएगी।